कहाँ नहीं आई? स्कूल? तो स्कूल से आ गई? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे सब लोग? तुम बढ़िया होंगे? तो आज बहुत जल्दबाजी में ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अभी स्कूट को निकल रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो आज जाना है मुझे महोंदा की शूटिंग में और फटाफट निकला घर से। तो अभी पहुँचा हूँ बिमौला के आसपास और महोंदा लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा और मैं भी पहुँचता हूँ शूटिंग लोकेशन। और मौसम यार काफ़ी ठंडा हो गया। सुबह तो ऐसे ठंड लग रही थी, क्या ही बताऊँ। तब मैंने जैकेट डाल ली थी और अभी मौसम खुला नहीं है, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। धूप तो आज मुश्किल लग रही। सुबह तो एक बार बारिश हो रही थी। एक बार हमारा प्लान बना था कि स्कूटर कैंसिल करते हैं, फिर रुक गई बारिश। तो उतनी बारिश है नहीं आज, देखो क्या होता है, कहीं बारिश ना हो जाए। वैसे ज़्यादातर हमारा शूट आज इंडोर का ही है, तो अंदर ही करेंगे। और अभी अल्मोड़ा मेरे और काम भी हो जाएंगे। अभी मेरे गाड़ी कुछ आवाज़ कर रही है आगे, एक्सल आवाज़ कर रहा है। मुझे एक्सल पता नहीं क्या है, मैकेनिक ही बताएगा। खटखट का आवाज़ कर रहा है मोड़ों पर, तो मुझे वो भी दिखाना है। अब एक्सल चेंज होता है, पता नहीं क्या होता है, तो इसका काम भी हो जाएगा आज। तो अभी डर ऐसी हो रही कि जो आवाज़ कर रहा है ना उसका टायर हो, तो लग रहा है कि अल्मोड़ा कहीं बीच में खराब नहीं। अल्मोड़ा पहुँच छोड़ दे यार सही सलामत बस, इसलिए मैं आराम आराम से ले जा रहा हूँ। और ज़्यादा दिक्कत तो मोड़ काटने में कर रहा है, तो आराम से मोड़ काटना पड़ रहा है और सीधे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा, मैंने अभी फ़ोन किया अल्मोड़ा, तो गोपाल भाई बता रहे हैं कि एक्सल में ही दिक्कत होगी। तो कह रहे हैं आओ दुकान में, इधर ही हूँ मैं। तो पहले वहीं जाता हूँ, फर्स्ट गाड़ी को वहीं छोड़ दूँगा, उसके बाद निकल लूँगा शूटिंग को। और इधर हमारे गोपाल भैया भी हमारी गाड़ी का टेस्ट ले रहे हैं कि क्या दिक्कत है, चेक करें डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी गाड़ी को बुखार वुखार कुछ भी आता है तो हम यही दिखाते हैं। तो क्या है, एक्सल में है दिक्कत? हाँ, एक्सल में लंबा खर्चा लग रहा है फिर। तो यार देखो, 4-5 हज़ार मान के चलो मोटा मोटा, अगर हम ओरिजिनल पर डलाते हैं तो। इसके साथ हमारे अमित भैया पहुंच चुके हैं यहाँ। हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? इनसे मैं डाटा लेने आया हूँ जो इनकी वेडिंग का है। देखो आज दे रहे हैं मुझे सेलेक्ट करके, इतने बिजी लोग हैं देखो ये कि आज मुझे फोटो सेलेक्ट करके आज दे रहे हैं। अब हम मैं लगाऊंगा टाइम एल्बम बनाने में। कोई नहीं, तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। बाकी अनिल भाई के थ्रू आप देख ही रहे हैं, बाकी आज मौसम का वजह अच्छा हुआ है, तो इसी के रिगार्डिंग आज अनिल भाई से मुलाकात हुई है, कार्ड देना था। ये तो मिलते कहाँ हैं, बहुत बिजी आदमी है भैया इनसे तो कब से वहाँ, बल कल आओ, बस कल आओ, फिर इनको याद दिलानी पड़ती है। अभी जिम जा रहे हो घर को? अभी घर को जा रहा हूँ। घर को जा रहे हो ना, तो उसके अभी शाम की शिफ्ट और होगी। चलो बढ़िया यार, मजा आ रहा है। तो गाड़ी लगा दी मैंने यहाँ, अब गोपाल अब आराम से फ्री होकर काम कर लेंगे, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊँगा। और अमित भैया से भी लेते हैं विदा, चलते हैं फिर हम भी। तो मैं कष्ट दूंगा, मुझे छोड़ दे ऊपर तक। चलो ठीक है ना, हो गया बाकी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया भैया, जाम लगा है तो इसलिए मुझे अब पैदल जाना पड़ेगा। चलो फिर, हाँ ठीक है, बाय। मेरा फोन वो कर देना है रे, इसकी वो इसकी गई है, क्या बोलते हैं, तो आगे टच है, आधा टच कभी कभी काम नहीं कर रहा है इसमें, बना देना है इसको पक्का अपने हाथों से फर्स्ट क्लास करके। चाय पियो, चाय चाय नहीं, अभी देर हो रही है, आप दोनों पियो फर्स्ट क्लास चाय ला गए हैं महेंद्र का। और क्या करें, अभी हम जल्दी में हैं, अभी पी नहीं सकते हैं, पैक कर दो, पैक कर लो, मैं पीते पीते जाऊँगा, पैक कर देंगे। वहाँ जाना, नीचे शूटिंग है महेंद्र की, आ रहे हो तुम भी? आओ, तुम्हें हीरो बनाते हैं आज। अरे यार मत करो, तो चाय पी रो। नहीं यार अभी। तो यार अभी मैं आ गया हूँ संकल्प लाइब्रेरी से अंदर को, जोशी जी के वहाँ को।
ये जो लाइब्रेरी है ना, तो ये हमारे गांव की हैं कृष्णा भैया, उनकी ही लाइब्रेरी। और अभी मैं पहुंच चुका हूं जोशी जी के वहां, आगे और लोग भी पहुंच चुके हैं इधर, सब तैयार हो गए होंगे शायद। कहां हो भैया, कोई है? नमस्कार सर, कैसे हो? हाँ भैया, घर में कोई नहीं है? अरे मैं तो तहसीलदार वाले रूम में जा रहा था भाई। अच्छा, क्या पटवारी जी को लेके आया अपने साथ? आओ, मैं तो निरीक्षण करने आया भाई साहब, चल के रहा है यहाँ? कुछ नहीं चल रहा हो तुम? हैं? चल के रहा? ये मेरे को मारने आ रहे हैं सब लोग। आओ दादा, बढ़ाओ। लड़के आ गए, बंदे आ गए हमारे। चाय पत्ती का पेड़ ना, वो तो देने वाले जब मेरे को दे जाएंगे, वहां से मैंने लाना है। ऐसी बात है, जब तुम कहोगे तब तो कहेंगे। उनको कैसे बता तुम कब जा रहे हो बारे में? ऐसा थोड़ा है महेंद्र भाई, सही बताओ, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ना उनका। कैसे कार्यकर्ता हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और अभी मैंने कहा झोला वही रखा, झोले जो वो लिया ना, झोला छोड़ाना कहा तो काट दिया। नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, झोले में जैकेट था, मैं ले आया ये। तो अभी अंदर इनकी चल रही है प्रैक्टिस, आप क्या बनो इसमें? प्रैक्टिस नहीं, डिस्कस चल रही है, ये बहस चल रही है। हम ऑलरेडी औरतें ही हैं। मीनू देखो, सेम लड़की तरह लग रही ना, इसको कुकरी खास हो रखा है, लड़की लग रही मीनू। जब हम नैनीताल की प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब से इसको कुकरी खास हो रखा था। कुकरी खांसी मत कहो यार, और उसका तो भोटे कुत्ते वाली खांसी हो गई। ये कौन सी बीमारी नई आ गई है भाई? इसकी दवाई वहीं मिलेगी मोहनदा के मेडिकल स्टोर में। दिखा लेना, तो बड़ा बड़ा बेकार होता है खांसी, जब बहुत दिन तक रहती है। क्या होता है पता है? क्या होता है पता है ना? एलईडी। अरे ये जोड़े को ये जा, नहीं जाना ये जोड़े। हां ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना। क्यों बोलना मैं गाना वाले की कौन सी जोरों का जरा तुमने और जोर से बोलना थोड़ा। अरे तुम्हें समझो उड़े हैं, ठीक है? तुम्हें समझो उड़ा है। महेंद्र भाई ये देखो, मोहनदा नकल लेके आए हैं। नकल नकल मारते हैं हमेशा। क्यों? हाँ फिर पास करोगे इनको? फिर टेस्ट तुम भी बोलोगे, कॉपियाँ जूझी चेक करें। सर आप यहाँ बैठिए, आप ऐसे देखिए, मुझे बताइए। सुनो, क्यों उड़ी आप? मैं कुनू उड़ में इजा के देर जाई, यहाँ जाई अलग चल गया, अलग डायलॉग है वो। चल दोबारा ले, थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है? मेरे पूरा कान के अंदर फोकस करके पूरा लगना चाहिए। चलो ठीक है, हाँ को एक्शन। क्या मनवाट पाड़ा, क्यों मुड़ी? सुनो सुनो, मैं कुनू ने उड़ में इजा के ब्याह हो जाई। गिजा के शाव खजे ने, तेरे गिजा के खजे शाव शौर चुमे है, गिजा के शाव खजे कुने देखो ना, रुकते ही जून दे, ते जून को शिकायत रुकते, गिजा के शाव खजे कुने, बाप रे, हंस गए। एक्शन। अरे इजा अभी चलो, होय चला और ठीक है। अच्छा तू ठीक हो? अरे यार ये बैग इसको रख लो आराम से, पहले नीचे एक हाथ अपना। इजा तू पहले बाहर बैग दिखा रहा हूं, और ये यार सब लटका है शीशी। इसको आराम से ले, बोलना चल के। अरे वो चिल क्यों बोले? बैग हमारा भारी, आराम से रखो। अरे इजा होय तब तेरी मुट्ठी करो, ठीक है? जा इसी लगा इजा बलर से, इजा बलर से तू सर। यार क्या बात है, एप्पल ही लूंगा मैं भाई को, आप तो कंफर्म है। एक्शन। दस हमदी तुम्हारा कान के शाव खजो। अरे मुनोपीड़ है क्या? कौन सा है जा गाड़ी में है जाने केमू मौसम घुमा लग जा, गोई खज जाले पैरामोला शीटा वारियो कुनू, ये सब है क्यों? हमारे कान पट बंद है कि बिल्कुल नहीं सुनत, और समझनी तुम जदू का पुल हूं सा उतु का जवान लगा सा बिल्कुल। यार हाई जी रहा तुम, वो हीरोइन ही नहीं होने क्या नाम चोग नोरा फुते ही उसे लगा सा तुम, ते समझनी। खाली बोला है मैंने, समझना मत नोरा फुते हमने आपको। मजाक है मजाक, वो बेचारी उसको डर है कि लड़ाई ना हो जाए, मजाक हो, वो भी कह रही बात से। चलो पता। अरे न्यूज में जा रही को, न्यूज में क्या हुआ? न्यूज में जा रही को लगन में, छन लगन में। अच्छा हगन में चुको,
अरे न्यूथ में छन कौन न्यूथ में क्या होगा अरे न्यूथ में छन लगन में छन लगन में अच्छा हगन में छुको पेट खराब रोज हो ब्याका चल लंदन वा खेदना छोले भटूरे उल्टांग छटांग है मतलब पेट खराब ठीक है भाई तुम समझीदा बात करना कुछ बाद में आया मैं कथा करना है ब्याका यशरा खान है ही जा तो अभी हमारे संदीप दा पहुंच चुके हैं आज क्या लाए हुए डॉक्यूमेंट आज भी काम अच्छा मगर आज ही पटवारी बने हो गया नहीं तो नहीं आज ये उस दिन यही थी क्या टी शर्ट पटवारी वाली जिस दिन आए थे तुम शूटिंग में शर्ट थी वो तो नहीं जब वो तो अलग थी जब एंटर हुए थे कह रहा हूँ यही पहन के आए थे ना याद आया मतलब तब तब तक मेरे मुँह से वही निकला आप क्या कह रहे हो सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपका एप्पल का फोन है मेरा इतना मन आ गया है क्या बताऊँ मुझे दे ही दो टेंशन मत लो अभी तुम्हें मिल जाएगा फोटो स्टेट करूंगा इसके तुम दे दूंगा तो हमारी पहली वीडियो जो थी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं महेंद्र भैया और आगे जा रहे हैं हमारे कृष्णा भैया और पीछे आ रहे हैं संदीप दा जगत भैया तो दवाई दवाई हाँ हम जा रहे हैं ऊपर थोड़ा रोड में दुकान में सामान लेने थैंक यू नहीं देता मैं कौन सा है आज लड्डू कौन सा लाया हो इमली के लड्डू कृष्णा ले कृष्णा सॉरी संदीप दा हमें रोज टॉफी देते हैं हमेशा जब अल्मोड़ा आते तब रोज क्या घर भिजवाते क्या कब से देता आ रहे हैं टॉफी कितने साल हो गए इनको लगभग पाँच मन लगभग दिखा रहे ऐसा काम ही क्यों करते हो शकल छुपानी पड़े तुम्हें मेरा फोन बनाया दिया पक्का ओके हो गया फोल्डर पड़ा है टच पड़ा निकालो 2500 रुपए चलो यार धन्यवाद टच टच बदला ना बहुत बहुत धन्यवाद रखो फिर इसको भी ले जाऊंगा जेब में खाली अभी लोड पड़ेगा और फिर नया और डालना पड़ेगा मेरे को 2500 रुपए अच्छा 2500 रुपए 300 रुपए दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं अपने ही हो तुम क्या खाओगे महेंद्र भाई और महेंद्र भाई चलो गैप तुम्हारे पीछे गैप लिखा मैं कह रहा हूँ गैप बना के चल रहा हूँ ना मैं पीछे पीछे कोई भी टच मत होना ऐसा करंट लगेगा झटका ना बात आ जाने सामान लेके जाने लगे नीचे को और साथ में आ गया मैं सोनू दा परसों पिछले अरे व्लॉग आया नहीं मेरा वो मतलब ये व्लॉग बाद में को पहले आएगा तो महेंद्र भाई इनके बारे में परिचय तू तो ये एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं इनकी बात करके मेरे सबसे पहले तो मेरे गुरुजी हैं मेरे को अनिल दा जो भी गाड़ी चलाना सिखाया ना सुंदर ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया लोग नहीं भी सिखाए तो सुंदर कहते थे यार सीखो सीखो करके मैं बता भी रहा था उसके अलावा समोसा एंड संस जो संजय मिश्रा सर की पिक्चर है उसमें हम लोगों को साथ में वहाँ पे जाने का मौका मिला और सोनू सर वहाँ पे इंस्पेक्टर के किरदार में थे मैंने फोटो दिखा रहे फोटो देखी मैंने मैं प्रोडक्शन में था उसके अलावा जब खुली किताब मूवी बनी ना जब खुली किताब तो उसमें ये अपार शक्ति खुराना जी और ये पंकज कपूर जी थे उसमें सबोर्डिनेटर का इनका किरदार था ना जस्ट के साथ तो उसके अलावा और भी शॉर्ट फिल्म फायर इन द माउंटेन इतनी फेमस पिक्चर की जिसमें चंदन सर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला उसमें भी इन्होंने किरदार कर रखा है उसके अलावा बहुत से शॉर्ट मूवी कर रखी है ना एक से एक कलाकार है ना बस तो यहाँ पहुँच के हमको मिल गया है गर्मा गर्म चाय और महेंद्र भाई लाए हैं तुरतुरे ये मैं तो सुनो एक्टिंग के साथ साथ एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है मैं नहीं ला हूँ ये तो बस मोंदा ही गिर पाया मैं तो बस प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ जो बोला आज्ञा दी तुम्हारा एक तुम्हारा ही मेरा उसको मैं ले जाओ फिर तुम्हारा मेरा हाफ और करते हैं बस खत्म हो गई थी हमारी और दूसरी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि एक दिन में दो वीडियो कर रहे हैं छोटी छोटी वीडियो हैं तो अभी हम इसको जोशी जी के ही रूम में कर रहे हैं दूसरे रूम में चलो चलो
जा बाबू एक घुटक चाह और मार दियो साहब। अरे आ चलो शूट करा महंगे मजे वाला। तो यहाँ का शूट हमारा फाइनल हो चुका है, दो वीडियो करी हमने। तो शाम का समय हो चुका, कितने बजे अभी? 6:30 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे? 6:30 हो रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं और हमारे सामान वामान पैक हो चुका है। महेंद्र भाई क्या खा रहे हो? मेरा क्या सामान पैक होना, एक जैकेट था वो भी पहन ली, पहले खुली थी पहन ली, जूते पहन लिए। क्या खा रहे हो? खाने में तो ये फास्ट फूड खा रहा हूँ, मोमो बर्गर। खाओ खाओ खाओ। और इधर हमारे सर बैठे हैं आराम से। ये कुर्सी बहुत सही लगती है ना महेंद्र भाई? मस्त एकदम, ये सब बैठे आराम कुर्सी है। रुको, कितने साल पुरानी सर आपने बता रहे थे अभी? ये लगभग 70-80 साल तो हुई ये कुर्सी जो है ना। हाँ, अनिल अभी जोशी से मेरी बात हुई, ये कुर्सी लगभग 70 साल पुरानी है। और जो यहाँ पर देख रहे हो ये भी 70 साल पुरानी। अच्छा, तो ये चीजें विरासत है यहाँ पर रखी हुई है। इस कुर्सी का तो अलग ही मजा है। बाकी इस कुर्सी के बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या देखते हो, माई सोनी ब्लॉग में देखो, अभी उन्होंने पूरा बताया, उसमें डालूंगा मैं, क्योंकि इनसे मेरी बात हुई थी। पूरी चर्चा ही इस मूवी से, तो इसमें आप देख सकते हैं। पिताजी भी बैठे थे। बस अच्छा, ये भी देखो। हाँ, इसमें बैठने में अलग फील आता, थोड़ा आरामदायक। बहुत बढ़िया कह रहा हूँ। दो रोल था, एक समदनी, एक बहू। दो वीडियो मिलेगी आपको मोहन दा के चैनल पे। बाकी मोहन दा लोग बाहर है। तो अभी हम आए हैं सुमंगल में। मैंने मंगा ली टिक्की, मोहल्ला खा रहे चाउमीन, मीनू के खा रही मोमो, और मैं निकल चुका हूँ घर को। गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी, तो मैं बोल के यहाँ से गाड़ी लेके भी आ चुका हूँ और अब चलता हूँ घर को। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ अगले ब्लॉग पे।